हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। देखिए दोस्तों, आज हमारे साथ हैं योगेश भाई। सबसे पहले मैं इनको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ये दिल्ली जेल वार्डन में सिलेक्टेड है 2018 बैच के, ठीक है। इनकी भर्ती आई थी पहले। अब आपको योगेश भाई आगे बताएंगे कि भाई हम जो एक फिजिकल का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, मुखर्जी नगर दिल्ली के अंदर लोकेशन है, ठीक है। आपका दो टाइमिंग बैच रहेगा, सुबह और शाम दोनों टाइम का बैच रहेगा, जिसके अंदर आपको फिजिकल की तैयारी करवाई जाएगी और साथ साथ में रिटर्न का भी पूरा गाइडेंस दिया जाएगा। ऑफलाइन आपके टेस्ट भी लिए जाएंगे, तो पूरा कुछ हम एक प्रिपेयर कर रहे हैं। हमारे साथ योगेश भाई भी हमारे साथ मिले हुए हैं, तो योगेश भाई भी दो बातें आपसे शेयर करेंगे और बताएंगे किस तरीके से हमने प्लान किया है आपके लिए और किस तरीके से आप एक बहुत बेहतर और शानदार तैयारी कर सकते हो। योगेश भाई नमस्कार। पहले तो सभी को जो ये चैनल को देख रहे हैं, देखिए आपको सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस में जब अभी फिजिकल हुए हैं उनमें आपका क्या रिजल्ट रहा है, बहुत ही रेयर रिजल्ट बच्चे जो है पास कर पाए हैं। तो उसके बाद अब जो तैयारी बस्ती है वो DSSB की बस्ती है, जिसके फिजिकल अभी फरवरी के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक में आपको देखने को पूरे पूरे चांसेस मिल सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जैसे भी होगा आपको नोटिफिकेशन के थ्रू हम बता देंगे, लेकिन जो आपकी तैयारी है वो आपको अभी से रखनी पड़ेगी, जिसके रिगार्डिंग हमने एक बैच स्टार्ट किया है जो कि आने वाली 22 जनवरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ साथ जो कि रिटर्न है, जो रिटर्न की तैयारी भी करवाएंगे और ऑफलाइन तैयारी भी होगी, जिसमें वीकली आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। तो देखिए दोनों चीज़ों को ही मिला के किसी भी स्टूडेंट को नौकरी मिलती है, ना ही आप फिजिकल करें या फिर सिर्फ आप रिटर्न करें, एक तरीके से कभी भी नौकरी नहीं मिलती है। तो देखिए इसको मद्देनज़र रखते हुए अभी 22 तारीख से स्टूडेंट्स के साथ रूबरू जुड़ने का फैसला किया है, ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। तो फिजिकल भी कराएंगे आपके साथ, आपकी पढ़ाई भी कराएंगे और जो भी चीज़ें होंगी, जिससे जो भी हमसे होगा, आपको बुक्स देनी है, आपको क्या टॉपिक्स देना है, क्या सिलेबस देना है, वो सारी चीज़ें आपको बारी बारी करके हम बताएंगे। तो जो भी स्टूडेंट दिल्ली पुलिस में रह गए, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, देखिए आपका जो बीता हुआ कल था उसे आप लौट के नहीं ला सकते हैं, लेकिन जो आपके आने वाला कल है वो आपके हाथ में है। तो प्लीज़ उस जो चीज़ आपके हाथ से निकल चुकी है उसके बारे में आप सोचें नहीं, ना ही किसी चीज़ को लेकर घबराएं या परेशान हो। आपके जो आने वाला कल है आप उस पर फोकस करें। भगवान अगर चाहा तो आपकी मेहनत की बारी पूरी तरीके से रंग लाएगी, लेकिन फिर से मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपको जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जितने स्टूडेंट हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ जुड़े, बहुत ही अच्छा गाइडेंस बैच, बहुत ही अच्छा फिजिकल बैच आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और देखिए नौकरी बार बार नहीं आती है, मौके बार बार नहीं देता भगवान, लेकिन अगर आपको दोबारा इतनी जल्दी मौका मिल रहा है, शानदार नौकरी का मौका मिल रहा है, तो प्लीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि डायरेक्ट जल्दी से जल्दी आके जुड़े, ताकि आपका सपना इसी साल साकार हो उसके। अब योगेश भाई आए थे यहाँ पे, तो आगे से हम, मैं और योगेश भाई यहीं मिलेंगे, बाकी कोच साहब हैं हमारे प्रीतम सर, ठीक है। आपको पूरा फिजिकल में मेहनत करवाएंगे, आपके साथ में दौड़ेंगे, लॉन्ग जंप हाई जंप पूरा प्रिपेयर करवाएंगे, जितना टाइम आपको चाहिए ग्राउंड में पूरा टाइम देंगे, मकसद है तो भर्ती होना, ठीक है। योगेश भाई ने आज ग्राउंड में आते मेरे को सबसे पहले एक बात कही है कि भाई फिजिकल तो आप करवा दोगे, लेकिन पढ़ाई का भी साथ लेके चलना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, तो बिल्कुल पढ़ाई का भी लेके चलेंगे। और इस साथ साथ में योगेश भाई ने एक बात और कही है कि भाई मैं आऊँगा तो आपको एक काम और करना पड़ेगा, तो मैंने बिल्कुल सर की बात मानी है कि जो भी बच्चा 31 तारीख से पहले पहले आएगा तो उसको DSSB की बुक भी दी जाएगी, ठीक है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट DSSB की बुक दी जाएगी और उसको पढ़ाया जाएगा उस बुक से, यहाँ पे भी ऑफलाइन भी। जैसे हमारा वर्कआउट ख़त्म होगा 9:30 बजे या 10 बजे, उसके बाद में आधा घंटा हम आपका डेली कोशिश करेंगे 31 तारीख के बाद में स्टार्ट करेंगे लेने की, ठीक है। आधे घंटे में आपको पूरा रिवीजन करेंगे हम बैठ के कि भाई हमने क्या कल पढ़ा था, आज हम उसको पूरा रिवाइज करेंगे। ग्रुप में बैठ के रिवाइज करोगे उस चीज़ को, क्वेश्चंस उसकी पुट होंगे, तो उसके आगे आपको याद भी होगा और वो चीज़ें ज़्यादा दिमाग में लंबे समय तक रहती है, ठीक है। तो फिजिकल तो है ही है, फिजिकल में तो रहने नहीं देंगे जो समय से आ गया, जो समय से नहीं आया तो भाई देखो दिक्कत होती होगी। भाई जो दिल्ली पुलिस में रिजल्ट रहा आप देख सकते हो, खुद योगेश भाई का एक्सपीरियंस है, फिजिकल दे चुके हैं दिल्ली पुलिस का, हमने फिजिकल दिया, हम सिलेक्टेड है, योगेश भाई इधर सिलेक्टेड है जिस भर्ती के लिए आप तैयारी कर रहे हो उसके अंदर। और थोड़ा सा आपको बताएंगे कि भाई किस तरीके की नौकरी है, किस तरीके की आप ड्यूटी कर पाओगे इसके अंदर, दो चार लाइन आपको बताएंगे। और जिसको भी फिजिकल के लिए आना है भाई, सोमवार से 22 तारीख से आपका फिजिकल का बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जिसको भी आना है 31 तारीख से, जो पहले पहले आएगा तो उसका एक पूरा प्रॉपर बैच बनेगा, 31 तारीख के बाद में आएगा उसका अलग सीन रहेगा, ठीक है। 31 तारीख से पहले जो आएगा उसको बुक भी दी जाएगी और एक क्या है कि एक अच्छा बैच बनेगा, तो पढ़ाई करने में भी मजा आएगा, फिजिकल करने में भी मजा आएगा। बाकी लड़कियों के लिए कैसी नौकरी है, लड़कों के लिए कैसी नौकरी है, एक योगेश सर आपको बताएंगे, ताकि आप थोड़ा सा मोटिवेट हो उस चीज़ के लिए और नौकरी पाओ। ये मानो कि सर
सबसे कम कंपटीशन फिलहाल जो भी नौकरी है डीएसएसबी के अंदर है, क्योंकि फिजिकल फॉर्म तो भरे गए लेकिन फिजिकल में रिजल्ट जो रहेगा 7-8% रहेगा, क्योंकि योगेश भाई बताएंगे आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में 2-4 मिनट में। तो देखिए, मैं आपको पहले भी वीडियोज इसके ऊपर बढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैं फिर आज दोबारा ये बता रहा हूँ कि देखिए, जो बेल्ट की नौकरी है पूरे इंडिया में देख लेना, इससे ईजी नौकरी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। अगर बेल्ट के मद्देनजर से देखते हैं तब की बात कर रहा हूँ। देखिए, लिमिटेड आवर्स की जॉब होती है, बेल्ट की नौकरी में बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि आपको जो लिमिटेड आवर्स मिले, 8 घंटे की आपकी ड्यूटी होती है, जिसमें से मैं बात करता हूँ गर्ल्स के लिए तो सिर्फ 6 घंटे की ड्यूटी होती है। जॉब प्रोफाइल ऐसे रहता है कि आप ड्यूटी के साथ साथ भी अपनी आने वाली जो अपर एग्जाम की स्टडी है उसको पूरा कर सकते हैं, यानी कि आप आने वाले अगर कोई ज़्यादा बड़े लेवल का एग्जाम आप देना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं होता है, दिल्ली से बाहर के लोग भी जाके डेली अप डाउन करके भी इस नौकरी को अपने कर सकते हैं। ठीक है, तो फैमिली के लिए भी अच्छा टाइम मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, आपको रहने के लिए क्वार्टर भी मिलता है। तो देखिए, गवर्नमेंट जो जो बेस्ट फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कराती है वो सारी ये नौकरी आपको देगी। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो देखो, हम किसी गवर्नमेंट जॉब को इसलिए पाना चाहते हैं क्योंकि सबसे बड़ा जो एक मेन पर्पज रहता है वो रहता है मेडिकल फैसिलिटीज़ का। तो देखिए, गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ आपका पूरा परिवार सिक्योर होता है, तो हम क्यों नहीं करेंगे ऐसी नौकरी। तो ठीक है, किसी भी तरीके का रिस्क नहीं ले, बहुत अच्छी नौकरी है, जब करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके की नौकरी है। तो किसी भी तरीके का रिस्क नहीं ले, फिजिकल देखिए कभी भी हो जाएगा आपका और होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एग्जैक्ट डेट तो देखो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा, लेकिन हाँ इतना कह सकता हूँ कि फिजिकल की तैयारी अभी हेडक्वार्टर के थ्रू चल रही है। तो ठीक है, प्लीज़ आप इसको बातों को मेरे के ध्यान में रखते हुए फिजिकल से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े। 31 तारीख तक का बैच बता दिया गया आपको, जो आएंगे उनके लिए बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। 22 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है डीएसएसबी के लिए, और अब की बारी आपको तैयारी करनी है और तैयारी के साथ पूरी पूरी नौकरी लेनी है। ठीक है, ठीक है भाई, हमने आपको बता दिया कि रिटर्न और आपका फिजिकल दोनों चीज़ों को लेके चलेंगे। रिटर्न में ये नहीं है अभी क्लासेज नहीं होंगी, भाई कोई ये बंदा सोचे कि रिटर्न की हमारी क्लासेज होंगी, गाइडेंस बैच होगा पूरा, आपके जो टेस्ट है वो लिए जाएंगे, आपको क्या है कि पास में बैठ के हम क्या है कि डिस्कशंस करेंगे। ठीक है, उस जो हमने पढ़ा उसके ऊपर पूरा डिस्कस करेंगे, हर एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, कोई कंफ्यूजन होंगे, कोई भी दिक्कत आएगी कोई भी क्वेश्चन में तो उसको सॉल्व करेंगे बैठ के। ठीक है, क्लासेज नहीं होंगे, बाकी जो आप पढ़ रहे हो उसको एक बेहतर तैयारी में उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको पूरा एक हमारा प्रोसेस है वो चलेगा। योगेश भाई हमारे साथ है, प्रीतम सर हमारे साथ हैं फिजिकल के लिए, और रिटर्न के लिए हम लोग खड़े हैं आपके साथ, क्योंकि हम ऑलरेडी भर्ती निकाल चुके हैं रिटर्न में, तो कोई ऐसी वैसी बात तो है नहीं। ठीक है, तो जिसको भी आना है ज्वाइन करना है जल्दी से जल्दी कर सकता है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर मिल जाएंगे, लोकेशन है वो मुखर्जी नगर में है। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो मुझे या योगेश सर को मैसेज करके पूछ सकते हैं आपके लिए ऑलरेडी। मैं आपको अपना इंस्टाग्राम भी शेयर कर रहा हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं, और सतपाल सर आप भी अपना इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे दोनों के इंस्टाग्राम, आप वहाँ से जाके भी कोई भी आपको क्वेरीज होती है तो इसके रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं। बाकी आपकी बारी, आपकी बारी। बिल्कुल बिल्कुल।